स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद। घर की बहू जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर और बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके ऑफिस जाने की सोच ही रही थी कि ससुर जी की आवाज़ आई। अरे बहू, जरा मेरा चश्मा तो साफ कर देना। बहू बहुत जल्लाते हुए चश्मा साफ करने लगी। इसी चक्कर में बेटे को स्कूल में और स्वयं को दफ्तर के लिए लेट हो गई। वह मन में सोच रही थी कि क्या पता घर से निकलते समय बाबूजी पीछे से आवाज़ क्यों देते हैं। बहू को ससुर की यह आदत अच्छी नहीं लगी, परंतु वह जानती थी कि ससुर जी पलंग से ना उठ पाने के कारण पूरे दिन इसी तरह के एक दो काम उसे बताते थे। काम तो छोटा था और ऑफिस जाने की जल्दी भी तो होती थी। इसी तरह उसने एक दिन अपने पति से चर्चा की। पति की सलाह पर सुबह उठते ही ससुर जी का चश्मा साफ करके रख देती, परंतु फिर भी घर से निकलते समय ससुर जी उसे बुला ही लेते थे। दिन बीतते गए। एक समय ऐसा आया कि बहू ने पिताजी की आवाज़ को अनसुना करना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी, बहू ने सोचा क्यों ना घर की साफ सफाई कर ली जाए। सफाई करते करते अचानक ससुर के पलंग के नीचे एक डायरी मिली। डायरी को देखते ही बहू को उसे देखने की उत्सुकता हुई। पता नहीं ससुर जी सारा दिन क्या लिखते रहते हैं। यही सोच यूं ही एक पन्ना खोल लिया। उसमें दिनांक के साथ लिखा था, मेरी प्यारी बहू, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती हो तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता हूँ। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ ही है बेटा। आंखें नम हो गई। बस अगले दिन से ही बहू ससुर का रिश्ता मानो पिता पुत्री में बदल गया। अब 5 मिनट पहले तैयार होकर ससुर जी की आवाज़ से पहले ही बहू चश्मा साफ कर देती और पानी का जग उनके पलंग के पास रख देती। जाते समय लाड प्यार से 2-4 वाक्यों में सारे दिन की हिदायत देती। कल फल या दवाई ना खाने पर उल्हाना देती। अंत में कहती, अच्छा बाबूजी ऑफिस को लेट हो रही है, कहकर घर से निकल जाती। उन बूढ़ी हड्डियों में ना जाने कहां से ताकत सी आ गई। दवाइयां वही थी, पर सेहत में सुधार कई गुना होने लगा। वह जल्दी स्वस्थ होने लगे। परंतु एक दिन हृदय गति रुकने से वह उस दुनिया को सदा सदा के लिए छोड़ के चले गए। अंत समय में उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ झलक रहे थे। आज उन्हें गुजरे 4 साल बीत गए। आज भी बहू रोज घर से बाहर निकलते समय ससुर जी का चश्मा साफ कर उनकी टेबल पर रख दिया करती थी। उनके अंधे के हाथ से मिला आशीर्वाद हमेशा लेती है। आज भी उसे ना जाने घर से निकलते समय ऐसा लगता है कि अभी आवाज आएगी, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दे। दोस्तों, माता पिता का आदर्श आशीर्वाद ही ईश्वर की कृपा दृष्टि है। जीवन में माता पिता की सेवा मरणोपरांत किए गए पितृकर्म से कहीं उत्तम है। जीवन में हम बहुत कुछ महसूस नहीं कर पाते और जब तक महसूस करते हैं तब तक वे बहुत दूर जा चुके होते हैं। धन्यवाद।